कोई कितनी भी कोशिश कर ले वो बॉलीवुड को कभी बर्बाद नहीं कर पाएगा और बॉलीवुड कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये कभी खत्म नहीं होगी, ऐसा रोहित शेट्टी का कहना है। रोहित शेट्टी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि ये जो कंपटीशन लोग चला रहे हैं बॉलीवुड वर्सेस साउथ सिनेमा, ये अपने आप में ही बहुत छोटी सी चीज है, क्योंकि बॉलीवुड और साउथ सिनेमा दोनों ही इंडियन सिनेमा है, दोनों के कंटेंट अलग-अलग है, दोनों का किसी भी तरह से कोई कंपटीशन नहीं है। साउथ अपनी जगह अलग कर रहा है और बॉलीवुड अपनी जगह अलग कर रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस वक्त साउथ ज्यादा बेटर कर रहा है। इनका ये कहना है रोहित शेट्टी का कि पहले भी लोगों ने कहा था कि बॉलीवुड खत्म हो जाएगा, उस दौर में जब VCR आए थे, जब लोग VCR पर फिल्में देखने लगे थे तो लोगों ने कहा कि बॉलीवुड खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद OTT आया तो लोग कह रहे हैं कि बॉलीवुड खत्म हो जाएगा। तो बात ऐसी है कि बॉलीवुड खत्म होने वाली चीज नहीं है। रही बात साउथ सिनेमा से कंपेयर करने की, तो साउथ सिनेमा 50 के दशक से ही चलते आ रहा है। बहुत सारी फिल्में जो है वो लेकर बनाई गई है बॉलीवुड में साउथ सिनेमा से ही, और बड़े बड़े लोगों ने साउथ की फिल्मों में काम किया है, बॉलीवुड के लोगों ने भी साउथ की फिल्मों में काम किया है। उस दौर में श्रीदेवी साउथ की फिल्मों में काम करने के बाद ही बॉलीवुड में आई थी। तो रोहित शेट्टी मिला जुला कर ये बात कह रहे हैं कि बॉलीवुड कभी बर्बाद नहीं होगा, ये जो भी लोग बॉलीवुड को खत्म करने की बात कर रहे हैं ये खत्म नहीं कर पाएंगे, बॉलीवुड खत्म नहीं होगा। और ये जो हिंदी भाषा साउथ की फिल्में बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर जो ट्रेंड चल रहा है ये भी सक्सेस नहीं होने वाला है, क्योंकि बॉलीवुड जो है वो अपने आप में बड़ी चीज है। लेकिन रोहित शेट्टी यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, या तो जानबूझकर कर रहे हैं बोलने में, या उन्हें पता ही नहीं है। देखिए, बॉलीवुड का विरोध जो है वो भाषाओं के आधार पर नहीं हो रहा है, या उनकी फिल्मों के कंटेंट के आधार पर नहीं हो रहा है कि वो कैसी फिल्में बना रहे हैं, उनकी फिल्मों में क्या दिखाया जा रहा है। इस वक्त उस चीजों को लेकर बॉयकॉट नहीं हो रहा है, बॉलीवुड का बॉयकॉट हो रहा है सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद से ही, सुशांत केस को लेकर। ये चीज बॉलीवुड समझ रहा है, लेकिन ये ना मीडिया में बोलना चाहता है ना इसे दिखाना चाहता है, क्योंकि दिखाएगा तो उसे लगेगा कि हाँ यार सुशांत वाला केस तो बहुत बड़ा है। तो ये सुशांत केस को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहते हैं जितने भी बॉलीवुड के लोग हैं, एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, जितने भी लोग हैं PR वाले। इनका काम बस यही है कि हम सुशांत का नाम नहीं लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जनता को पता है कि बॉलीवुड का बॉयकॉट सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद ही किया जा रहा है, वरना बॉलीवुड से किसी को क्या प्रॉब्लम थी। बॉलीवुड तो अपनी मर्जी से जो कंटेंट दिखा रहा था लोग जाकर देख ही रहे थे, लोगों के अंदर इतनी जागरूकता भी नहीं थी, और कुछ भी दिखा रहा था, मतलब हिंदू धर्म के ऊपर भी बहुत सारी चीजें दिखा रहा था, बहुत सी ऐसी फिल्में बन रही है। मैं कह रहा हूँ कि सारी फिल्में नहीं बन रही थी, बॉलीवुड की फिल्में हम भी बचपन से देखकर बड़े हुए हैं और अभी तक देख ही रहे थे, लेकिन उसमें जब कहते हैं कि जब बुरी चीजें एक साथ आती हैं तो चारों तरफ से उस चीजों को घेर लेती हैं, कवर करने लगती हैं। तो सुशांत केस ने बॉलीवुड की जितने भी दबे मुर्दे थे उन सभी को सामने लाने का काम किया, चाहे वो हिंदू धर्म से नफरत हो, या प्रोपेगेंडा फैलाना हो देश को लेकर, या आर्मी के जवानों पर कोई टीका टिप्पणी करनी हो, या जो भी चीजें हो, आउटसाइडर की बात हो, इनसाइडर की बात हो, नेपोटिज्म की बात हो, सब कुछ हो। देखो, नेपोटिज्म हर चीज में होती है, हर जगह होती है, चाहे राजनीति में कर लो, आपके अपने घर में भी नेपोटिज्म होगा कि पिताजी ने कोई बिजनेस खोल कर रखा है तो वो अपने बेटे को ही देगा। अब ऐसा तो है नहीं कि पिताजी कहेंगे कि जा बेटा मैंने ये खोला है अब मैं तुझे ये बिजनेस नहीं दूंगा, ये नहीं होता है। नेपोटिज्म हर जगह होता है, लेकिन नेपोटिज्म का जो फायदा है वो जब गलत तरीके से उठाया जाने लगे, जब टैलेंटेड लोगों को वो अधिकार ना मिले, उनका हक छीन लिया जाए, उनके साथ गंदा बर्ताव किया जाए, तब नेपोटिज्म गलत चीज हो जाती है, वरना नेपोटिज्म तो हर जगह है। अब रोहित शेट्टी को ये समझना होगा कि बॉलीवुड जो बर्बाद होने की मुहिम चल रही है ये साउथ सिनेमा की वजह से नहीं चल रही है, साउथ सिनेमा तो विकल्प के रूप पर सामने उभर कर आया है, और विकल्प के रूप पर जब सामने आया, एक ऑप्शन दिखा कि हम साउथ की फिल्में ही देखेंगे, और साउथ ने अच्छी फिल्में दर्शकों के सामने पेश भी की है, हिंदी भाषा में दिखाई जाने लगी, तो जनता के लिए तो भाई कुछ ना कुछ तो ऑप्शन चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए। तो साउथ इस वक्त अच्छी फिल्में बना रहा है, अच्छा कर रहा है, तो लोग उसे देख रहे हैं, और बॉलीवुड चाहे अच्छी भी फिल्में लेकर आएगा तो लोग उसे नहीं देख रहे हैं। यही वजह है कि फिल्में फ्लॉप हो रही है, और फिल्में फ्लॉप होना मतलब बॉलीवुड की बर्बादी ही होना है। तो रोहित शेट्टी को ये समझना चाहिए।